नमस्ते जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे टेडू का एक संस्कार होने जा रहा है, यानी कि मुंडन होने जा रहा है। आज टेडू टकली होने वाली है, तो चलिए देखते हैं कि मैडम कैसा रिएक्ट करती हैं, क्या क्या करती हैं, आराम से करने देती हैं या नहीं करने देती हैं, या बहुत सारे निशान आने वाले हैं। देखते हैं क्या होने वाला है आज। चलिए चलते हैं गंगा किनारे, यानी कि संगम। लीजिए, अब हम लोग आ गए संगम। यहाँ पे देखिए, सब लोग अपना टेंट लगाए हुए हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ जगह मिलता है। तो हमें वहाँ पर जगह नहीं मिलती है और हम आगे निकल गए हैं हनुमान जी के पास में। यानी कि अब हम संगम गंगा के किनारे नहीं करवा के हम बड़े हनुमान जी, यानी कि जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके पास मुंडन करवाएंगे। और ये रहा वहाँ जाने का रास्ता, ये खुला मैदान। यहाँ पूरा संगम के टाइम पर मेले लगते हैं, सब लोग रहता है, भीड़ रहती है यहाँ पर। देखिए, लोग आ जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग वहीं पर रहते हैं, जिनको जब तक मन करता है वो वहाँ पर रहते हैं। ये रास्ता और वो रहा हमारा तिरंगा लहराता हुआ। ये किले पे लहराता है। ये किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, शायद 1584 के आसपास बनवाया था। और ये यहीं प्रयागराज में स्थित है। और ये देखिए सामने निशान जाता हुआ, ये यहाँ का लोकल लोग मानते हैं, निशान लेके जाते हैं, कोई मन्नत करते हैं तो फिर उसके लिए निशान चढ़ाते हैं। और ये रहा वो किले की दीवारें। हम जा रहे हैं क्योंकि वो रास्ता किले की दीवार से सटा हुआ है, और इस तरफ ग्राउंड है और इधर किला है। और ये हम आ गए, वो देखिए सामने हनुमान जी का मंदिर, लोग भीड़ लगाए हुए हैं और हम बस पहुंचने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब देख देख के, टेडू के बाल देख के, फिर उसके बाद टेडू को टकला होते देखने में। और ये हमारा रास्ता, हम रास्ते पर जाते हुए बस यहीं गाड़ी हमारी रुकेगी साइड में ही, क्योंकि जगह नहीं होता है आगे जाने के लिए ना। ये निशान, इसको जब अपनी तकलीफ दूर होने के बाद लोग भगवान को थैंक यू बोलने के लिए ऐसे जाते हैं। अब हम भी जा रहे हैं वहाँ ग्राउंड में, जहाँ पे इनको इनका मुंडन कराना है, मतलब जहाँ पे इनके बाल चले जाएंगे। अरे ये देखिए टेडू कैसे खुश हो रही है, कैसे देख के, क्या आ रहा है ये। अब एक नए निशान लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों में बहुत श्रद्धा होती है कि जब भगवान ने आपका काम पूरा कर दिया, आपको दुख से निकाल दिया, तो उनको थैंक यू बोलते हैं इस तरह से। हाँ, हनुमान जी के पास ये निशान चढ़ाते हैं। जो टेडू के बाल साफ करेंगे फ्री हो जाएं, तो फिर इनके मुंडन का शुरुआत हो। देखिए अब यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ इनको नया ब्रेड दे रहे हैं ताकि अपने रेजर में एक नया ब्रेड लगाएं जिससे बाबू का मुंडन हो। सनातन धर्म में मनुष्य के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से हमारा जो ये मुंडन संस्कार है वो एक महत्वपूर्ण संस्कार है।
किसी भी शिशु का मुंडन संस्कार ज़्यादातर ना धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर पे होता है, या फिर जहाँ पे आपने एक मन्नत की होती है कि हम अपने बच्चे का मुंडन वहाँ पे करवाएंगे, वैसा होता है। मगर आप उसको कहीं भी करवा सकते हैं, अपने घर पे भी करवा सकते हैं, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप वहाँ पे अपने बच्चे का मुंडन करवा देते हैं। नवजात शिशु का मुंडन करवाने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बालों में बहुत से कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और सिर की त्वचा ना बहुत गंदी होती है, कभी कभी कोई लेयर जम जाता है, तो इससे स्किन की सफाई अच्छे से होनी जाती है। सिर की त्वचा में जो गंदगी होती है उसको अच्छे से साफ करने के लिए ही हम उन बालों को हटवा देते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बच्चे का बल, आरोग्य, तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे पौराणिक मान्यता है कि इससे शिशु की बौद्धिक विकास अच्छे से होता है। ये पौराणिक मान्यता है, पता नहीं रियल में क्या होता है, कुछ दिखता नहीं है। ये तो थी पौराणिक मान्यता, मगर वैज्ञानिक तरीके से इसको सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि बच्चे को मुंडन करवाने का मतलब ये होता है कि उसकी स्किन की अच्छे से सफाई हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा गंदगी इकट्ठी रहती है ना तो स्किन में बहुत इन्फेक्शन्स हो जाते हैं, तो इन इन्फेक्शन को से बचाने के लिए मुंडन करवाते हैं। मुंडन पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस दौरान जब मुंडन होता रहता है, पंडित लोग मंत्र का जाप करते रहते हैं, हवन कुंड जलता रहता है, बहुत अच्छा ही वातावरण रहता है वहाँ पे। पर ये कोविड की वजह से टेडू के मुंडन में ऐसा कुछ हो नहीं पाया, पंडित जी नहीं आ पाए थे। फिर मुंडन होने के बाद बच्चे को ये सिर को अच्छे से पानी से धुलने के बाद उस पर हल्दी और चंदन का पेस्ट लगाते हैं, जिससे जो भी कटा फटा हो, जो भी इन्फेक्शन्स वगैरह हो, वो हल्दी से नहीं होता है। टेडू के बाल चलने के बाद हमने तुरंत हल्दी का पेस्ट नहीं लगाया था, हम घर आए थे, पहले उसके सर को ठीक से डेटॉल से धुलने के बाद हमने उस पे हल्दी का पेस्ट लगाया था। बैठने जा रही हूँ, अब सीधे हम लोग घर जाएंगे। तो ये रहा टेडू के मुंडन का ब्लॉग, हो गया इनका मुंडन।